दोस्तों चलिए आइए आज हम लोग जो एक हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है, सिर्फ हिस्ट्री का, तो उसमें नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज जो एक सेट 6 से लेके 12-11 तक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन सब, क्विक रिवीजन के लिए। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है मोहनजोदड़ो और चांगलो, इसका मतलब 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में निस्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। जी हाँ, इसका सही आंसर सिक्का। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। सैंडोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? जी हाँ, विलियम जोन्स। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर है मास्की का लघु शिलालेख। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकेंड। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर है ताजमहल में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसको जो है कि मैच करना है पाणिनि, पाणिनि मतलब अष्टाध्यायी, 1 और 3, तो 1 और 3 ये आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका सही आंसर है 1576 में एलोरा गुफा का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर है राष्ट्रकूट ने। किस मुस्लिम बादशाह में से किस एक ने बहुमूल्य नियंत्रण पद्धति का पहली बार लागू किया था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। जैनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो फिर वो सर तुगलक। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, राजा को प्रजा से उससे मुक्ति मिली और निराजा से? तो इसका सही आंसर है MBT। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर है प्लासी का युद्ध। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? जी हाँ, इसका सही आंसर है वर्नाक्युलर पेस एक्ट, कर्जा नहीं होगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? सर विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है B.R. अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय ने। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो कैबिनेट मिशन की अस्वीकार करने के साथ ही। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। गांधी के दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन और सत्य है? तो इसका सही आंसर है समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया। किसका सम्मेलन नहीं है? तो यहाँ इसका सही आंसर 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1920 में हुआ था। बोधन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर विनोबा भावे। किसने कहा था, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है बंगाल विभाजन के लिए। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? इसका सही आंसर है JB राजेंद्र प्रसाद।
कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से सर्वप्रथम भारत आया था जिसमें रेड ड्रैगन भी शामिल था? तो इसका सही आंसर है हेक्टर। सही सुमेलन है, तो इसका सही आंसर सभी सही है। आई ये दोनों सही है। बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद यूनुस खान। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम राष्ट्र एकता का दूत कहा था? तो इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी थी? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सत्य और अहिंसा। गांधी जी सच्चे समर्थक थे, तो इसका सही आंसर कुटीर उद्योग के। गांधी जी सच्चे समर्थक थे, कुटीर उद्योग के हो गए। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसके चर्चा के लिए किया गया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत का भावी संविधान के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर था? तो सही आंसर होगा लोथल। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सही आंसर है सिंधु। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है मत्तमयूर। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? इसका सही आंसर क्रोष्टी। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर एरन से। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है भास। निम्नलिखित मुगल काल में के निम्नलिखित युद्ध क्रमों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सेंसर ये हो जाएगा, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका सेंसर है कांधार। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे तो फतेहपुर सिकरी में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? जी, इसका सही आंसर रॉल्फ फिंच। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जी, इसका सही आंसर है रामचंद्र देव। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। ब्रिटिशों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है FST। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? जी, इसका सही आंसर है मीर कासिम। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? जमींदारों के लिए जमीन प्रबंध परंपरागत
अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? तो हाजीपुर में। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? अब्दुल कलाम आज़ाद। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो जी इसका सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? सही आंसर है महात्मा गांधी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो इसका सही आंसर है आत्मी सभा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जी सरोजिनी नायडू। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के वायसराय ने किया था? सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो सही आंसर है प्यारे लाल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो मछलीपट्टनम। निम्न जुड़ा में गलत है, इसका सही आंसर है ई। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो इसका सही आंसर है नील विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो सही आंसर है 1942। अक्टूबर 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर है M.N. रॉय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही आंसर है AOU। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? तो AOU। AOU से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो उसने कांग्रेस के वार्षिक अध्यक्ष सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है टर्किस खलीफा। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो रहमत अली चौधरी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? इसका सही आंसर है मातृशक्ति में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही आंसर है कठोपनिषद में। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, इसका सही आंसर सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिखी को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध कथन बलवन के संबंध में सही नहीं है? तो उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था।
गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इसको सुमेलित करना, सुमेलित है, निम्नलिखित में कौन से सुमेलित सही है, तो इस बताना कौन सा सही है। तो यहाँ देखिए, 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, इनकी सी। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जजिया करके समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर देने लायक की स्थापना। तो इसका सही आंसर जो है कि सभी एक सीक्वेंस में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दारा सिकोर ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर होगा अकबरनामा। तो इसको मैच करना है प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576, कलिंग का युद्ध 261, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध तो दिया हुआ नहीं है इसमें ऑप्शन, हल्कि इसका ऑप्शन भी गलत है। एलिफेंटा की गुफाएं निम्नलिखित मुख्यतः निम्न धर्मों के मताव लंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? इसका सही आंसर है शैव धर्म के लिए। कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो FST। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? इसका सही आंसर है बक्सर का युद्ध। इस्तमाली बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका सही आंसर है कर्णावालिस। तो यहाँ पे मैच करना है तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, पवना बिहार में, एका बंगाल, बिरसा मुंडा अवध में। तो इसका सही मैच किया हुआ है, नहीं 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 मिस्टेक 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 है। तो देखिए यहाँ पे मोपला केरल में तो सही है, पवना हुआ था बंगाल में हुआ था, एका हुआ था अवध में, बिरसा मुंडा हुआ था बिहार में, यानी कि ये होगा सही। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर है 1828 में। फ्रंटियर गांधी का असली नाम था? तो जी हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है जुलाई 1947 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने रेडियो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो इसका सही आंसर है उषा मेहता। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो इसका सही आंसर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था हुआ था? तो वेब मिलर। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था? तो इसका सही आंसर है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है बीपी वाड़िया ने किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का आंदोलन गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर है बायकोम सत्याग्रह। किसने कलकत्ता गोविंदपुरी सुल्तानाती को 1200 में खरीद कर कोलकाता की स्थापना किया था? तो इसका सही आंसर है जॉब चार्णक। सही जोड़ा है तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ई। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा केरल। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण किसानों का समस्या कैसे अवगत कराया था? तो इसका सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था?
तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि हिंदू सभा ने किया था, पंजाब नहीं किया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य का बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहाँ इसका सही आंसर है एम एन रॉय। ऐतिहासिक घटनाओं को उसके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। चंपारण, बंगाल, जलियांवाला, था सबसे पहले हुआ था बंगाल, हुआ था तब हुआ था चंपारण, तब हुआ था जालिया। होम रूल की स्थापना की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग में हुआ था। उस राज्य पुनर्आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर् सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर है फजल अली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है डी, धौलावीरा। धौलावीरा इसका जो नहीं है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन। यापनीय किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्न में से कौन उपग्रंथि नहीं था? तो आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। किस शासक वंश ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो इसका सही आंसर है गुप्त वंश। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो इसका सही आंसर है, ये तो हो गया था। ये सब तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अब, सही है। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो यह इसका सही आंसर है नूरजहां ने। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो रजनामा। निम्नलिखित में से किस शेख अल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती के। शून्य का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर किसी अज्ञात भारतीय ने। अबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है संगमरमर से। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते समय मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर है जफर खां। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में से कौन से जैन धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही आंसर है हेमचंद्र सूरी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है FST। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी? कि वह था शाहआलम सेकेंड। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी जी। तो घटनाओं पर विचार कीजिए। तो जी हाँ, इसका सबसे पहले हुआ था सिपाही विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। सॉरी मिस्टेक है, सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह, तब सिपाही विद्रोह, नीली विद्रोह, दक्कन विद्रोह। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर अकबर सेकेंड ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत
प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर है नेम गुट निरपेक्ष। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो इसका सही आंसर है लेबर पार्टी की। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के में। दिल्ली 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है डॉक्टर मुंजे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी चुना नहीं जा सका? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड कर्जन 1905 में किया गया बंगाल विजय रद्द किस वर्ष हुआ था? 1911। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही आंसर सुभाष चंद्र बोस ने। फ्रांसीसी ने भारत में अपनी प्रथम और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है सूरत और मछलीपट्टनम। लॉर्ड क्लाइव के बारे में सही कौन सा है? सही है यह ई आंसर होगा। खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी तो 6 वर्षों के लिए हुआ था। 6 जुलाई 1942 में वारधा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर है M&Y। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? इसका सही आंसर है केरल में। महात्मा गांधी किसकी कृतियों में सबसे अधिक प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। गांधी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ सीखा? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में से मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? इसका सही आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का। जैन शब्द किसने बनाया था? ओके तो साइंस का आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम धातु मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? इसका सही आंसर है तांबा का। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर है अजंती खेरा के। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका सही आंसर 14 पूर्व। सेलिकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? इसका सही आंसर चंद्रगुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख क्रोष्टी लिपि में है? इसका सही आंसर साहबगाजी में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका सही आंसर है गुप्त काल की। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? इसका सही आंसर बख्तियार खिलजी। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया हुआ था? तो हरि विजय सूरी। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौस ने। तो इसको मैच करना है तो फिरोज शाह तुगलक जो है किनारों का निर्माण करवाया था, बलबन नौरोज सिद्धांत का किया था।
उसके बाद अलाउद्दीन दीवान रियासत जहांगीर के दरबार में थॉमस को आया था। गीत गोविंद के रचयिता थे, तो इसका सेंस रहे जयदेव। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो इसका सही आंसर होगा चंदेल। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम था, तो इसका सही आंसर राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, तो FST। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा अंबर प्लासी, बॉन्डीवास और बक्सर का युद्ध। सर टॉमस मुंडो भर आयुष बंदोबस्त से संबंधित थे, तो रैयतवारी से संबंधित थे। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल है, तो जी इसका सही आंसर ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय जिसका संबंध कांग्रेस से कभी नहीं रहा है, तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे, तो इसका सही आंसर है पट्टामी सुतारमैया। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी, तो माउंटबेटन। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, क्या नाम था, तो यहाँ लुइस फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 21वें अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार अध्यक्षता चुने गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफार खान। अशोक आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें, तो यहाँ इसका सही सब जो है कि घटनाक्रम सही है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, जी इसका सही आंसर लाला लाजपत राय। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इसका सही आंसर है कृष्ण कुमार मित्र ने। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। किस युद्ध के बाद फ्रांसीसी का पतन हो गया, तो इसका सही आंसर है बॉन्डीवास। सुभाष चंद्र बोस के साथ किसने मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में किया था, तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो पटना इसका सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने निम्न में से किसने अशांतिजनक कहा, सर वैलेंटाइन सिरोज ने कहा था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को कैद किया गया था, तो आगा खां पैलेस में किया गया था। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ का कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो जी इसका सही आंसर है 1928 में हुआ था। दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है, जी इसका सही आंसर सभी ने द क्रिप्स द कैबिनेट मिशन। निम्न में से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, दांडी साइमन पूना गांधी इरविन, तो जी इसका सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीच सुमेल है, तो जी इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे, तो इसका सही आंसर पंजाब और बंगाल। इनमें से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंध नहीं था, तो इसका सही आंसर द होली फैमिली। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था, तो इसका सही आंसर शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। तो दोस्तों ये सेट 11 तक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट डे जो है कि 16 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।